हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो अपोलो टायर लेटेस्ट न्यू स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं टायर स्टॉक्स काफी मोमेंटम में है और अपोलो टायर एक बेहतरीन पिक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और फ्यूचर इम्प्लीकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। कल के दिन पे हमने देखा था 6% की रैली स्टॉक में आई थी। आज इतना मोमेंटम में नहीं था ये स्टॉक, लेकिन अच्छे लेवल्स पे अच्छे ब्रेकआउट्स के पास आ चुका है ये स्टॉक और काफी कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, तो अब ये मोमेंटम में आ चुका है। इसी वजह से आज अपोलो टायर को फिर से एक बार रिकमेंड कराऊ मेरे चैनल पे। आने वाले दिनों में अपोलो टायर आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका 350 के आसपास होना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 425 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं अपोलो टायर्स के लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफी अच्छे ब्रोकरेज हाउसेज ने रेटिंग भी दी है इस स्टॉक को, और इसीलिए आज के दिन पे स्टॉक को रेकमेंड कर रहा हूँ। आज का पहला जो वीडियो था वो था एनबीसीसी, सेकंड वीडियो है अपोलो टायर। दोनों स्टॉक्स पे फोकस रखें और अगर ऑब्जेक्टिव मैच होता है तो दोनों स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करें। आपके स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इस समय जो मोमेंटम बना है मार्केट में वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। बॉटम है 18,500 का, इस समय रिवर्सल मोमेंटम 18,300 का मेजर सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। 18,700 के अगर ऊपर हम निकलते हैं तो 18,850 के हमें लेवल्स देखने मिलेंगे। तो इस समय रेंज बाउंड है 18,550 से लेके 18,700, ये रेंज बाउंड रहे मार्केट। और आज हमने देखा जहां पर मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ओपन हुई थी करीबन 18,580 के लेवल्स के आसपास, वहां से एक स्ट्रांग पुल बैक रैली बना 18,780 के आसपास, और उसके बाद 18,680 के आसपास टू बी प्रिसाइज, और वहां से फिर एक मोमेंटम रिवर्सल हुआ नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत करेक्शन दिया, निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन है और हमने क्लोजिंग मिला है 18,600 के आसपास। तो इस समय स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अच्छे स्टॉक्स पे मोमेंटम में रखिए, और जैसे आज एफएमसी सेक्टर में मोमेंटम मिला वैसे आने वाले दिनों में अच्छे खासे सेक्टर्स पे मोमेंटम मिलेगा, तो उन सेक्टर्स पे जरूर फोकस करिए। एफएमसी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जिसे काफी समय से अंडर परफॉर्म किया था और अब ये आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि आज हर एक एफएमसी के स्टॉक्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है हमें। आप स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का और भी देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में जुड़ जाइए, 45 मिनट्स का सेशन। जितने भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर्स दीजिए। दूसरा तरीका एडवाइजरी प्रोडक्ट्स, 30 डेज 90 डेज दो तरीके के पैकेजेस। दोनों पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही में स्पेसिफिकली आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होगा और लाइव मार्केट में आपको लेवल्स बताए जाएंगे जिससे आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप टैकल कर पाए। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी स्कीम में अलॉटमेंट लीजिए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं अपोलो टायर्स के बारे में, कैसे आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या लेवल्स होने चाहिए, किस वजह से इस स्टॉक को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये भी इस वीडियो में देखेंगे, और आने वाले दिनों में अपोलो टायर कैसे आपको मोमेंटम में रह सकता है वो ये भी आपको देखना है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अपोलो टायर का अगर फंडामेंटल देखें तो बाकी सब टायर कंपनी से काफी बढ़िया स्टॉक है। अब फंडामेंटल इसके नंबर वन, अगर अपन टायर कंपनीज की बात करें जो स्टॉक नंबर वन आता है इस समय और जिसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अपोलो टायर, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स काफी समय काफी अगर हम देखें तो काफी बार बालक इंडस्ट्रीज को इतना प्रिफर नहीं करते जितना छोटे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को प्रिफर करते, और इसीलिए आज के दिन पे अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली अपोलो टायर्स को मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। अपोलो टायर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली देखें तो ब्रेकआउट स्टॉक में आया है, बॉलिंगर बैंड का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ है स्टॉक में, और अगर आरएसआई भी देखें तो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक में। 340 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट, आप 340 यानी 340 से 350 का आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए जहां से जहां तक ये स्टॉक जा सकता है, और आपका अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 290 के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। साथ ही में अपोलो टायर्स के स्टैंड अलोन सेप्टेम्बर सेल्स की बात करें तो सेप्टेम्बर में 16.5% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो सेल्स बढ़ा था, वैल्यूएशन था करीबन 4,250 करोड़ के आसपास, तो ये भी अच्छा खासा मोमेंटम था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले टाइम से 9.5% के आसपास कम था, पिछले टाइम था 89 करोड़, इस बार आया था 80 करोड़ के आसपास। ईबीटा अगर हम देखें तो 12.5% 11.5% अप था, पिछले टाइम था 407 करोड़, इस बार था 456 करोड़ के आसपास। पिछले टाइम रेवेन्यू था 5,106 करोड़ के आसपास, इस बार रेवेन्यू था 5,962 करोड़ के आसपास। पिछले टाइम प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 219 करोड़, इस बार था 238 करोड़। पिछले टाइम नेट प्रॉफिट था 173 करोड़, इस बार था 194 करोड़ के आसपास। चार्ट पैटर्न देखिए, पिछले 5 दिनों का बॉटम था करीबन, स्पेसिफिकली अगर हम देखें
तो 280 के आसपास का हाईएस्ट पॉइंट था आज के दिन पे, 316 का, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, बॉटम 270 का हाईएस्ट पॉइंट 316, 3 महीने का बॉटम 237 का हाईएस्ट पॉइंट 316 आज के दिन पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे स्टॉक का, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो कल के दिन पे 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें से 62 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी थी। एवरेज इसका अगर हम देखें तो 51 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 14 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स के पास 37% है, एफआईएस की बात करें तो 21% है, पब्लिक होल्डिंग से करीबन 21% अगेन, और एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग देखे तो 19.45% डीआईएस का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड डेटा देखे तो 27 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 5 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है। डिफरेंस सेलिंग साइड में है और क्वांटिटी डिफरेंस सॉरी बाइंग साइड में क्वांटिटी है 8,87,313 स्टॉक्स, तो 8,87,313 स्टॉक्स यहाँ पे बाय हुए हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉर अपोलो टायर्स। आरएसआई इस समय 66 है, एमएफआई 58 है, दोनों ही न्यूट्रल जोन के आसपास नहीं है, थोड़े ऊपर आ चुके हैं लेकिन अब तक ओवरबॉट नहीं हुए हैं। 1 हफ्ते का रिटर्न 11.5%, 1 महीने का 8.5%, 3 महीने में 27%, 6 महीने में 45%, 1 साल में 48%। तो हर एक ड्यूरेशन में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। बढ़िया स्टॉक है अपोलो टायर्स, डिफेंसिव प्लेयर्स जो है वो उनको अपोलो टायर्स एक बेहतरीन पिक लगेगा। स्लो मूवमेंट में चलता है, डिफेंसिव मूवमेंट है और डिफेंसिव स्टॉक है। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।